नमस्कार दोस्तों, हार्ट न्यू टीचर में आप लोगों का स्वागत है। माँ बाप अक्सर अपने बच्चों के डॉक्टर, वकील और इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं, जिनसे बढ़िया सैलरी मिलने के साथ साथ काफी सम्मान भी मिलता है। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद न्यूज एंकर बनाने के बारे में विचार करेंगे। आज हम आपको इस वीडियो में भारत देश के 5 न्यूज एंकर के बारे में बताएंगे जो ज्यादा सैलरी देते हैं। नंबर 1, रवीश कुमार। न्यूज एंकर रवीश कुमार एक जर्नलिस्ट, एक राइटर और एक लोकप्रिय मीडिया व्यक्तित्व भी हैं। वे NDTV इंडिया के मैनेजिंग एडिटर, NDTV न्यूज नेटवर्क के हिंदी न्यूज एंकर हैं और रवीश चैनल के वीकेंड शो प्राइम टाइम जैसे कई प्राइम स्लॉट प्रोग्राम होस्ट करते हैं। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। रवीश को ईयरली सैलरी के रूप में तकरीबन 2,16,00,000 से लेकर 2,50,00,000 के आसपास सैलरी मिलती है। नंबर 2, सुधीर चौधरी। हरियाणा में जन्मे सुधीर चौधरी एक लोकप्रिय भारतीय पत्रकार हैं। सुधीर चौधरी और रवीश कुमार ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की है और उन्हें पत्रकारिता पुरस्कार में रामनाथ गोयंडा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह जी न्यूज के वर्तमान प्रधान संपादक हैं और जी न्यूज पर डेली न्यूज एनालिसिस DNA प्राइम टाइम शो की मेजबानी करते हैं। उनकी सैलरी तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। नंबर 3, श्वेता सिंह। बिहार में जन्मी और न्यूज एंकर श्वेता सिंह ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता बनने का सपना देखा, लेकिन यह जर्नलिस्ट और एंकर बन गई। वह आज तक में विशेष प्रोग्रामिंग की कार्यकारी संपादक हैं और अपने शानदार खेल समाचार कवरेज के लिए जानी जाती हैं। यह देखते हुए कि वह प्रतिवर्ष कितना कमाती हैं, हमें लगता है एंकरिंग निश्चित रूप से एक बेहतर विचार है। श्वेता सिंह लगभग 3 करोड़ रुपए सालाना कमाती हैं। नंबर 4, रजत शर्मा। 62 साल की उम्र में इस सूची में सबसे उम्रदराज रजत शर्मा इंडिया TV को यहां तक पहुंचाने के लिए सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ा है। रजत शर्मा इंडिया TV के अध्यक्ष और प्रधान संपादक हैं। हालांकि वह लोकप्रिय TV शो आपकी अदालत के एंकर के रूप में मशहूर हैं, जहां वह मंत्रियों के साथ साथ एक लाइव दर्शकों के सामने हस्तियों को कटघरे में रखकर कड़े सवाल पूछते हैं। 2015 में रजत शर्मा को जर्नलिस्ट में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रजत शर्मा की सैलरी की बात की जाए तो वह 3,06,00,000 के आसपास करीब सालाना कमा लेते हैं। नंबर 5, निधि राजदान। दिल्ली में जन्मी निधि राजदान NDTV की सीनियर एडिटर और NDTV की 24/7 न्यूज शो लेफ्ट राइट एंड सेंटर की पॉपुलर न्यूज एंकर हैं। यह कार्यक्रम आमतौर पर हर शाम न्यू दिल्ली स्टूडियो से लाइव स्ट्रीम होता है और समाचारों को तोड़ने मरोड़ने से परे सभी महत्वपूर्ण और चर्चाओं को कवर करता है। निधि रातान भी रवीश और सुधीर के ही कॉलेज से पढ़ी हैं, जो कि दिल्ली में मास कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया है। निधि रातान की सैलरी करीब 4 करोड़ रुपये सालाना है। दोस्तों, आपको इन 5 न्यूज एंकर में कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।